हेलो फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग कक्षा 12 की पाठ 6 लाभ रिडेम्पशन समर्सी, जो पाठ 6 पोएट्री का पाठ है लाभ रिडेम्पशन समर्सी, आज हम इसी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। और यह पाठ लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स जो 1795 ईस्वी में पैदा हुए थे और एक बाय प्रोफेशन ये एक सर्जन थे, और इसी अवधि के दौरान जिस समय ये अध्ययन काल में थे और अध्ययन काल के ही दौरान एक महिला से इनसे प्रेम हुआ, जिस महिला का नाम था फैनी ब्राउनी। फैनी ब्राउनी नामक महिला से इनसे प्रेम हुआ और ये दोनों अपने संबंधों में कुछ कई सालों तक, 2-3-4 सालों तक थे। लेकिन एक दिन अचानक उसने इनको छोड़ दिया और यह बताकर छोड़ दिया कि ये लंबाई में कुछ इंच उससे छोटे हैं। तो इस प्रकार का जो एक आघात इनको पहुंचा, वह ये सहन नहीं कर सके और इसी को वह एक कविता का रूप देते हैं। अपने खुद के ऊपर घटित होने वाली घटना का एक वर्णन वह इस पाठ के माध्यम से देते हैं, जिस पाठ का नाम देते हैं लाभ रिडेम्पशन मर्सी, जिसका अर्थ होता है ए लेडी विदाउट मर्सी, मतलब एक महिला। ये एक फ्रेज है मित्रों, जिसका मतलब होता है कि ए लेडी विदाउट मर्सी, अर्थात एक ऐसी महिला जो दया रहित है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक एक घुड़सवार का वर्णन करते हैं, जो घुड़सवार एक परी से आकर्षित होता है और उसी का यहाँ पर वर्णन करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये इनकी एक पर्सनल स्टोरी है और इस पर्सनल स्टोरी को अपनी कल्पनाओं के माध्यम से यह एक घुड़सवार और खुद को एक घुड़सवार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उस महिला को, जिसका नाम फैनी ब्राउनी था, जो इनकी प्रेमिका थी, अपनी प्रेमिका को वह एक परी के रूप में संबोधित करते हैं। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार जो उनकी जो इमेजिनेशंस चलती हैं, अंडर हिज इमेजिनेशन ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाइट्स हु इज विथ एट आर्म्स एंड ऑन ए हॉर्स, ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिम एंड टेल्स दैट ही हैड आस्क्ड द क्वेश्चंस बिकॉज द नाइट सीम्स टू बी टोटली सैड एंड नाउ ही आस्क क्वेश्चंस टू द नाइट अबाउट हिज सैडनेस एंड द नाइट इज आंसरिंग हिम एंड दिस कन्वर्सेशन इज ए हैज टेकन ए पार्ट ऑफ दिस लेसन विच नेम इज लाभ रिडेम्पशन मर्सी। तो लेखक उस नाइट से, मतलब कि उस घुड़सवार से या उस योद्धा से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उससे उदासी का कारण पूछते हैं। इस 4 लाइन जो आपके सामने हैं, इन 4 लाइनों में कवि उस घुड़सवार से प्रश्न पूछते हैं, उसकी उदासी का कारण पूछते हैं और बाद के यह कुल मिलाकर पाठ 16 लाइन आपके कविता में, आपके सिलेबस में दिया गया है और इसके कुछ इसका भाग बचता भी है जो आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जो कुछ लाइंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वहां पर से जो प्रथम 8 लाइंस हैं, इन 8 लाइन में कवि उससे प्रश्न पूछते हैं, मतलब कि घुड़सवार से प्रश्न पूछते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। कवि पूछते हैं कि ओ अरे व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स, अरे व्हाट क्या कैन सकना, आप जानते हैं सकता है, आइल कष्ट दी तुम्हें, अरे तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है नाइट एट आर्म्स। नाइट मतलब योद्धा, एट आर्म्स का मतलब होता है जो अस्त्र शस्त्र के साथ जो योद्धा हो। तो कहते हैं कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, एलान अकेले एंड पेलेली, और अकेले एंड पेलेली मतलब पीले, लॉयचरिंग निरुद्देश्य घूमना,
तो अकेले और पीले निरुद्देश घूमते हुए हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। द सेज, सेज मतलब घास, हैज वीदर्ड सूख चुकी है, फ्रॉम से द लेक, लेक झील से, झील से घास सूख चुकी है अर्थात ग्रीष्मकाल है अर्थात गर्मी का मौसम है और उस समय झील से घास सूख चुकी है। एंड और नो बर्ड्स सिंग, और नो बर्ड्स और कोई पक्षी नहीं सिंग्स गाते हैं। लेखक पूछते हैं, कवि पूछते हैं कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित निरुद्देश्य और पीले घूमते हुए योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। झील से घास सूख चुकी है और कोई भी पक्षी नहीं गाते हैं। ये चार लाइन में प्रश्न पूछते हैं, अगले चार में फिर पूछते हैं कि ओ अरे व्हाट कैन आई डू, अरे तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। नाइट एट आर्म्स, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, अरे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। सो हैगर्ड इतनी चिंतित, एंड और सो इतनी ओ बिगॉन मतलब दुख से अति पीड़ित, इतनी चिंतित और दुख से अति पीड़ित हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। द स्क्वायरल्स ग्राइनरी इज फुल, द स्क्वायरल्स गिलहरी का ग्राइनरी गोदाम इज है फुल, भर गया है, गिलहरी का गोदाम भर गया है। और एंड और द हार्वेस्ट, और फसल डन पूरी हो गई है अर्थात कट गई है। लेखक कहते हैं कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। इतने चिंतित और इतने अति दुख से पीड़ित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। गिलहरी ने अपना गोदाम भर लिया है और फसल भी पूरी हो चुकी है। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। अगली लाइन में, अगली चार लाइन में कवि पूछते हैं कि आज आई मैं सी देखता हूं ए लीली एक कुमुदनी मतलब सफेद पुष्प अर्थात परेशानी चिंता की लकीर आन पर दाई तुम्हारी भौ ब्रो भौ पर, मैं तुम्हारी भौह पर एक सफेद पुष्प देखता हूं अर्थात परेशानी देखता हूं। अब विथ साथ इंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, विथ साथ एंग्विश मोइस्ट एक मानसिक वेदना के साथ, एंड और फीवर ड्यू और परेशानी के साथ, मैं तुम्हारी भौह पर मानसिक वेदना और परेशानी के साथ एक चिंता की लकीर देखता हूं और आन पर दाई तुम्हारी चीक्स तुम्हारी गालों पर ए फेडिंग रोज, ए फेडिंग एक मुरझाता हुआ रोज गुलाब देखता हूं अर्थात जो तुम्हारी गालों की गुलाबी है वह गालों की गुलाबी मुरझाती हुई है। और फास्ट विदर्थ टू और तेजी से विदर्थ टू मुरझाता भी है, मैं तुम्हारी गालों की गुलाबी को मुरझाया हुआ देखता हूं और वह तेजी से मुरझाती भी है। अब वह योद्धा, अब योद्धा कवि को उत्तर देता है और अपने परेशानी का वर्णन करता है, कारण बताता है। आई और कहता है कि आई मैं मेट मिला ए लेडी एक महिला से इन में द मेड्स चारागाह में, मैं एक महिला से चारागाह में मिला, फुल ब्यूटीफुल, फुल ब्यूटीफुल पूरी तरह सुंदर थी। ए फेयर इज चाइल्ड
ए फेयरीज एक परियों की चाइल्ड बच्ची की तरह है। मैं चारागाह में एक महिला से मिला जो एक परियों के बच्ची की तरह पूरी तरह सुंदर थी और हर हेयर उसके बाल वाज थे, लांग लंबे थे, उसके बाल लंबे थे और हर फुट और उसके पैर वाज थे लाइट, उसके पैर हल्के थे। मैं चारागाह में एक महिला से मिला जो पूरी तरह परियों की बच्ची की तरह सुंदर थी और उसके बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे। पैर हल्की का मतलब उसको पोलियो नहीं हुआ था, पैर हल्के का मतलब कि वह धीरे धीरे हल्के कदमों से चल रही थी। तो हर हेयर वाज लांग, उसके बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे, अर्थात वह धीरे धीरे कदमों से चल रही थी। एंड और हर आईज उसकी आंखें वर थी विल्ड, बड़ी बड़ी थी, जंगली उसकी आंखें थी, उसकी आंखें जंगली थी, बड़ी बड़ी थी। अगले लाइन देखते हैं, आगे योद्धा कहता है कि आई मैंने मेड बनाया एक गारलैंड एक माला फार के लिए हर उसके हेड उसके सिर के लिए। मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई एंड और ब्रेसलेट्स और कंगन टू भी। मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई और कंगन भी बनाया एंड और फ्रैग्रेंट जोन अर्थात सुगंधित करधनी भी बनाया। मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई और कंगन भी बनाया और उसके लिए मैंने सुगंधित करधनी भी बनाया और सी उसने लुक्ड देखा एट मी मुझको और उसने मुझे देखा आइज मानो सी वह डिड लव मानो वह प्रेम करती हो। मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई कंगन बनाया और उसके लिए सुगंधित करधनी भी बनाया और उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड और मेड किया स्वीट मोन और उसने एक मधुर आह भरा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो और उसने मधुर आह भरा और आई मैंने सेट बिछाया हर उसे आन पर माई अपनी पेसिंग तीव्र गति से चलने वाली स्टीड घोड़े पर और मैंने उसे अपने तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया एंड और नथिंग कुछ नहीं इल्स सिवाय और उसके सिवाय कुछ नहीं सा देखा आल डे संपूर्ण दिन लांग लंबे समय तक। मैंने उसे अपने तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया और संपूर्ण दिन मैंने उसके सिवाय कुछ भी नहीं देखा और फार साइड लांग और एक तरफ को वुड सी बैंड वह झुकी रही एंड सिंग और गाती रही और एक तरफ को वह झुकी रही और गाती रही ए फेयरीज सांग एक परियों के गीत को। मैंने उसे अपने तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया और संपूर्ण लंबे दिन तक मैंने उसके सिवाय किसी को भी नहीं देखा और एक तरफ को वह झुकी रही और वह परियों के गीत को गाती रही। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट, सी उसने फाउंड दिया मी मुझे रूट्स मतलब जड़ अर्थात खाने पीने के लिए जो कंद मूल ये सब हम जो खाते हैं जो नीचे जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं उस प्रकार के खाद्य पदार्थ। उसने मुझे कंद मूल फल दिया आप रेलिस स्वीट मधुर स्वाद के। उसने मुझे मधुर स्वाद के कंद मूल फल दिया एंड और हनी विल्ड अर्थात जंगली शहद दिया एंड मन्ना देव और एक प्राकृतिक पेय उसने मुझे पीने के लिए दिया।
उसने मुझे मधुर स्वाद की कंदमूल फल दिया और जंगली शहद और एक प्राकृतिक पेय उसने मुझे दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और श्योर एकदम निश्चिंत इन लैंग्वेज भाषा में, और एकदम भाषा में निश्चिंत होकर स्ट्रेंज विचित्र रूप से सी उसने सिड कहा, और एकदम निश्चिंत भाषा में विचित्र होकर, एकदम निश्चिंत होकर भाषा उसने विचित्र रूप से कहा, आई लव दी ट्रू, आई मैं लव प्रेम करती हूँ दी तुमसे ट्रू सच्चा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। और सी वह टुक ले गई मी मुझे टू हर अपने एल्फिन ग्राट रहस्यमयी गुफा में, और वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में लेकर गई। एंड और देयर वहां सी वह व्यक्त हुई, एंड और साइड आह भरा फुल शोर पूरी तेजी से, और वह मुझे लेकर अपनी एक रहस्यमयी गुफा में लेकर गई। जहां यहाँ पर योद्धा कवि को उत्तर देता है, उस महिला के बारे में बताता है, अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में लेकर गई, और वहां पर वह रोई और तेजी से उसने आह भरा शोर। यह शोर शब्द जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है फुंसी, फोड़ा, और फोड़ा इसका अर्थात वो दर्द देने के लिए होता है। तो इस प्रकार एक सेंस की अकॉर्डिंग यहां पर उसे हम दर्द के रूप में उसे संबोधित कर सकते हैं। तो वहां वह रोई और पूरी तेजी से पूरी दर्द में उसने आह भरा। एंड और दियर वहां आई मैंने सट बंद कर दिया हर विल्ड विल्ड आईज, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी उसको मैंने बंद कर दिया विथ किसिस फोर, मतलब चार बार चूम कर, और वहां मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को चार बार चूम कर बंद कर दिया। और एंड और देयर वहां सी उसने लुल्ड मी एज लिफ, उसने मुझे सुला दिया, और वहां पर उसने मुझे सुला दिया। एंड देयर और वहां आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा, और वहां पर उसने मुझे सुला दिया, और वहां पर मैंने स्वप्न देखा आह अरे ओ बिचाइड मुसीबत आ पड़ी, और वहां पर उसने मुझे सुला दिया और मैंने वहां पर स्वप्न देखा अरे मुसीबत आ पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम, सबसे अंतिम वाला स्वप्न, आई माई इवर ड्रीम्ड, मैं हमेशा देखता हूं, और जो अंतिम वाला जो स्वप्न है उस अंतिम स्वप्न को मैं हमेशा देखता हूं। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ऑन पर द कोल्ड एकदम ठंडे हिल साइड, अर्थात पहाड़ी के बगल में, एक ठंडे पहाड़ी के बगल में मैं उस अंतिम स्वप्न को मैं हमेशा देखता हूं। और आगे कहता है वह योद्धा कहता है, जब वहां पर सो जाता है उस रहस्यमय गुफा में सो जाता है, तब वह कहता है कि आई मैंने सा देखा पेल किंग्स, पीले राजाओं को, एंड और प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी, मैंने वहां पर पीले राजाओं और राजकुमारों को भी देखा, और पेल वॉरियर्स पीले योद्धाओं को, और डेथ पेल वर दे आर, और डेथ पेल अर्थात मौत की समान पीले वर थे देवे आल सभी, अर्थात वे सभी मौत के समान पीले थे, और दी क्राइड भी चिल्लाए लावले डेमसेंस मर्सी हाइथ सिद्धी इन थैल, लावले डेमसेंस मर्सी, सुंदर और निर्दयी स्त्री ने हाइथ हाइज हाइथ रखा है दी तुम्हें इन थैल, मतलब थैल धोखे में, और मैंने वहां पर मैंने वहां स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने देखा कि वहां पर मैंने पीले राजाओं और राजकुमारों को देखा, पीले योद्धाओं को देखा जो सभी मौत के समान पीले थे, और वे सभी चिल्लाए कि सुंदर और निर्दयी स्त्री ने तुम्हें धोखे में रखा है।
आई मैंने सा देखा डियर उनकी स्टार्व्ड लिप्स उनके सूखे होठों को और मैंने उनके सूखे होठों को देखा इनमें द ग्लूम अर्थात अंधकार में। मैंने अंधकार में उनके सूखे होठों को देखा विथ होरिड भयानक तरीके से वार्निंग चेतावनी देते हुए और गेप्ड वाइड और चौड़े खुले हुए। मैंने उनके अंधेरे में उनके सूखे होठों को देखा जो भयानक तरीके से चौड़े खुले हुए और चेतावनी देते हुए थे। आई मैं एंड और आई मैं अवोक जागा एंड फाउंड और पाया मी खुद को हियर यहाँ और मैं जागा और वहां अपने आप को यहाँ पर खुद को मैंने यहाँ पर आया पाया ऑन द कोल्ड हिल्स साइड ऑन पर द कोल्ड हिल्स साइड एकदम ठंडी पहाड़ी के बगल में और मैंने उन अंधेरे में उनके सूखे हुए होठों को भयानक तरीके से चेतावनी देते हुए और चौड़े खुले हुए पाया और मैं वहां से जागा और मैंने खुद को इस ठंडी पहाड़ी के बगल में पाया एंड दिस इज व्हाई और यही कारण है कि आई मैं सोजर्न हियर मैं यहां निरुद्देश से भटकता हूं और यही कारण है कि मैं यहां पर निरुद्देश रूप से भ्रमण करता हूं टहलता हूं एलान अकेले एंड पेलेली और एकदम पीले लॉयटरिंग निरुद्देश घूमते हुए और यही कारण है कि मैं यहां पर अकेले और पीले निरुद्देश घूमते हुए भटकता हूं। दो यद्यपि द सेज हैज विदर यद्यपि घास सूख चुकी है फ्रॉम द लेक झील से यद्यपि झील से घास सूख चुकी है एंड और नो बर्ड्स सिंग और कोई भी पक्षी गीत नहीं गाते हैं। इस प्रकार से लेखक अपनी भावनाओं को एक घुड़सवार और एक परियों को कल्पनातीत तरीके से तैयार करते हुए अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी और अधिक दूसरे बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।